अरे बाबरवा का हाल है बस ठीक है तुम्हारे। तुम तो मैच से पहले बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे कि हम 300 रन से जीतेंगे, हम 6 बॉलों में जीत जाएंगे। सुटरी के का हुआ तुम्हारा? अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई थी यार, ऐसा थोड़ी होता है कि इतने इतने रनों से थोड़ी मैच जीता जाता है। अब सुटरी के मैच जीतना तो दूर, वो हमको हरा के और चले गए भूतनी वाले बेन स्टोक्स। अरे यार बाबर चलो तेरा तो ठीक है, तू वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो अपने घर तो चला गया कम से कम, पर ये आज इंडिया वाले मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत तगड़ा मारेंगे। कहीं गलती से ये टॉस जीत गए ना तो आज तो हमारी खैर नहीं है, कम से कम 5-6 रन तो बना ही डालेंगे भूतनी वाले। अब तो तू क्या सोचा था कि बिना मैच खेले ही हम अपने देश लौट जाएंगे? सोटरी वाले तू कल रात के अंधेरे में कहाँ भग रहा था? अरे तुझे पता नहीं है कि आज हमारे यहाँ पर दिवाली है यार, तुम ऐसा मत किया करो। अरे आज तुमको मिठाई भी खिलाएंगे और फिर रात को कुटाई भी करवाएंगे। अब यार सोरिया और रोहित यार तुम बच्चों को दिवाली के दिन क्यों डरा रहे हो यार? आज तो हमारे यहाँ बड़ा त्यौहार है तो बच्चों को डराते थोड़ी ना है। अब इनको पटाखे वटाके दिलाओ और रात को फुलझड़ियों से इनको स्वागत करो। अरे यार ऐसा मत करो तुम नीदरलैंड के कैप्टन साहब, अरे बाबर साहब, अरे तुम भी चिंता ना करो यार। और आज तो हमने तुम्हारे लिए मिठाइयों का बंदोबस्त किया है, जरा चक्कर बताओ कैसी है। अरे यार विराट भाई, अरे यार तुम्हारा भी कुछ अलग ही सीन है, मतलब कि पहले तो हमारी पिटाई करते हो फिर बाद में हमें मिठाई खिलाते हो, यार हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अबे भटनिया के समझ में आएगा कोई सूजी का हलवा है और ये किंग कोहली का जलवा है जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। अबे जितना बोला है उतना करो, भोजन करो और अपने घर की तरफ निकलो।